हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपनी मम्मी पापा को सुंदर सुंदर क्लास वर्क और होमवर्क करके दिखाते हो ना? अपने पेरेंट्स का कहना मानते हो ना? हाँ, वेरी गुड। आपने अपने पेरेंट्स का कहना मानना है और डेली पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद खेलना है। ओके, तो आज मैं आपको नया लेटर सिखाऊंगी। एन, एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट होता है, एन फोर नोज होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। तो आपको आज मैं टीच करूंगी हाउ टू मेक एन, एन फोर नेस्ट। डे 50, क्लास वर्क एन, एन फोर नेस्ट। टुडे वी लर्न हाउ टू मेक एन। एन कैसे बनाना है और उसकी डॉटिंग कैसे करनी है। पेरेंट्स वॉच इट केयरफुली। सबसे पहले हम दो स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, जैसे एम फोर मैंगो में बनाया था, और फिर एक स्लांट लाइन। ओके, सिंपल टू स्टैंडिंग लाइन देन स्लांट। इसी तरह से आपने एन की डॉटिंग केयरफुली करनी है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो टू लाइंस में जो गैप होता है, कि ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा पास मिला हो, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ओके, एन फोर नेस्ट। इस तरह से आपने टू लाइंस में डॉटिंग कंप्लीट करनी है। देखा, हो गई कंप्लीट। नाउ टेक द पेंसिल एंड गिव इट टू द चाइल्ड। आप अपने बच्चे को ये पेंसिल दीजिए और उसको बोलिए इसके टिप को सबसे टॉप पे रखेगा, और मेक अ स्टैंडिंग लाइन, देन मेक अनदर स्टैंडिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन। क्या बन गया? एन फोर नेस्ट। फिर से उसे बताइए, बार बार बताइए उसे। सबसे पहले वन स्टैंडिंग लाइन, देन अनदर स्टैंडिंग लाइन, देन स्लांट लाइन। एन फोर नेस्ट। स्पीक एंड राइट, बार बार बच्चे से बोलिए, बोल कर लिखिए। एन फोर नेस्ट। जितने लेटर लिखे उतनी बार बोल कर लिखे। एन फोर नेस्ट, एन फोर नेस्ट। कोई जल्दी नहीं लिखना, हाथ को धीरे धीरे चलाना है। एन फोर नेस्ट। देखा आपने, इस तरह से आपने टू लाइंस क्लास वर्क कराना है, और वन लाइन फोर होमवर्क हमेशा की तरह। फिर से हम एन की डॉटिंग करेंगे फॉर द होमवर्क। आपको इसकी प्रैक्टिस करानी है। स्पीक एंड राइट, बच्चे से बोलना है कि जब भी लिखे बोल कर ही लिखे। टू लाइन फॉर द क्लास वर्क एंड वन लाइन एज अ होमवर्क। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता चल ही गया होगा कि एन की डॉटिंग कैसे करनी है और कैसे बनाना है। आपको जैसे आपके मम्मी पापा बताते हैं उस बात को फॉलो करना है, और स्पीक एंड राइट बोल बोल कर रखना है, और 3 डेज का ये वर्क है आपका। ओके, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।